नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सुरमई करी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरमई के पीसेस को मैंने अच्छे से साफ करके लिया है, ये देखिए। अभी इसको हम करते हैं मैरिनेट। एक टेबलस्पून हमें लेना है लाल मिर्ची का पाउडर, स्वादानुसार नमक और 2 टेबलस्पून कोकम आगर। अगर आपके पास कोकम आगर नहीं है तो इसके जगह पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। अभी ये सारी चीज़ों को हम ऐसे मिक्स करके लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अभी हम फिश को ऐसे मसाला लगा के लेंगे। सबसे मेन चीज़ वो जो ग्रेवी में जाएगी। यहाँ पे पानी लिया है और उसमें मैंने 4 से 5 कोकम लिए हैं। अगर आपके पास कोकम नहीं है तो ये इसके जगह पे आप इमली भी ले सकते हो। इसको ऐसे भिगोना है और इसका ऐसे हमें रस निकाल के लेना है। ये देखिए, ये हमें ग्रेवी में यूज़ करना है। यहाँ पे हमें फ़िश को फ्राई करके लेना है। तेल का टेम्परेचर हमेशा गर्म चाहिए जब आप फिश फ्राई करते हो। एक साइड से सुरमई अच्छे से फ्राई हो गई है, अभी इसको हम पलट के लेंगे। अच्छे से हमें इसको पका के लेना है। यहाँ पे फिश अच्छे से फ्राई हो गई है, अभी इसे हम निकाल के लेंगे। पैन अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ कुटी हुई। लहसुन को हमें सुनहरा रंग आने तक अच्छे से फ्राई करके लेना है। लहसुन को अच्छे से सुनहरा कलर आ गया है, अभी इसमें हम डालेंगे वाटन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा। वाटन हमें 2 से 3 टेबलस्पून डालना है। 3 से 4 मिनट हम वाटन को अच्छे से तेल पे फ्राई करके लेंगे मीडियम गैस पे। वाटन अच्छे से फ्राई हो गया है, ये देखिए साइड साइड से तेल छूट रहा है। अभी इसमें हम डालेंगे सारे सूखे मसाले। आप आपके घर पे जो मसाला यूज़ करते हो वो हमें इसमें डालना है 1/2 टेबलस्पून। 1/2 टेबलस्पून डालेंगे चिकन मसाला, 1/2 टेबलस्पून डालेंगे धना पाउडर और जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून। अगर धना जीरा पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अभी ये मसाले को हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करके लेंगे। मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अभी इसमें हम डालेंगे ये कोकम का पानी। हमें इसको छान के डालना है। जो कोकम का रस निकलेगा वही हमें इसमें इस्तेमाल करना है। अभी इसे हम अच्छे से मिला के लेंगे। अभी यहाँ पे हम डालेंगे पानी। अगर आपको पतला ग्रेवी चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डालिए, अगर थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी कम डालिएगा। और इसे हमें अच्छे से बॉईल करके लेना है। ग्रेवी अच्छे से पक गई है, अभी इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए सुरमई। अभी इसे हम ग्रेवी में डालेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका के लेंगे। सुरमई करी बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।